मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एम डी वसीम। वेलकम टू माई चैनल वसीम अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे, आज वीडियो में 41 से लेकर 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चिपको मूवमेंट इज पब्लिक एजिटेशंस डैट ऑकर्ड इन, यानी चिपको मूवमेंट फर्स्ट टाइम जो पब्लिक जिसको एजिटेट किए थे, ये फर्स्ट टाइम ऑकर्ड कहाँ पे ये हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हुआ था उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड, बट ऑन द टाइम उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नाउ एट प्रेजेंट ये होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड टिहरी गहरवाल, ये गाँव का नाम है। और इस यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे उत्तराखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ड्रिंकिंग ऑफ फ्लोराइड कंटेनिंग वाटर, यानी जिस वाटर में फ्लोराइड, पीने वाला पानी में फ्लोराइड अगर कंटेन हो, मिला हो, तो उसका रिजल्ट यानी फीडबैक क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी मिनामाटा, या ऑप्शन नंबर डी मेथलोंग गोलबेमिया, ये एक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 43, ए हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी BOD। ओके, ये कल के क्वेश्चंस में आया था। ए हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इंडिकेट्स दैट, ऑप्शन नंबर 1 वाटर इज प्योर, यानी जिस वाटर में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा हो, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 1 वाटर इज प्योर, ऑप्शन नंबर बी एब्सेंस ऑफ माइक्रोबल एक्शंस, ऑप्शन नंबर सी लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट, या ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट। इसका मतलब ये होता है, जिस वाटर में अगर BOD ज़्यादा हो, तो इसमें माइक्रोबियल जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इसका लेवल बहुत ही हाई है, इसलिए आंसर नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशंस आर, यानी जो मैन मेड पॉल्यूशंस का जो सोर्सेस है, जो रेडिएशंस है पॉल्यूशंस का, तो इसका सोर्सेस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोशंस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। माइनिंग भी है, ये मैन मेड पॉल्यूशंस है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स प्रिपरेशन करना, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को प्रिपेयर करना, ये सब मैन मेड पॉल्यूशंस का, सब रेडिएशन है। क्वेश्चन नंबर 45, हैबिटेट लॉसेस एंड फ्रेगमेंटेशंस, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस एंड को एक्सटेंशंस आर कॉज फॉर, फिर से पढ़ दिया जाए, हैबिटेट जो लॉस हो रहा है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रही है, एलियन स्पीसीज हो रहा है, इन्वेंशन को एक्सटेंशंस, ये सब जो हो रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड, ये सब का कॉजेज रीजंस क्या है, वजह क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, ऑप्शन नंबर बी पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी बायोडाइवर्सिटी लॉस, या ऑप्शन नंबर डी माइग्रेशंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ओके, इसका इन सब का जो रिजल्ट है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ओके, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक, सोर्स यानी सोप साबुन और जो सरफ है, ये ऑर्गेनिक रिसोर्सेस पॉल्यूटेंट्स है, लेकिन इसका सोर्सेस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लोसरियल, ऑप्शन नंबर बी फाइटोफॉस्फेट्स पॉलीफॉस्फेट्स, ऑप्शन नंबर सी सल्फोनेटेड या हाइड्रोकार्बन्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ओके, ग्लाइकोसिरोल हो रहा है, इसके अलावा पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन्स, इनसे झाग निकलता है और वही एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 47, द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स डिपेंड्स अपन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो है, ये डिपेंड अपन किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स, एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ डिपोजिशंस ऑफ द कंटेनमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशंस इज डिटरमाइंड बाय,
यानी जो पॉपुलेशन का जो कैरिंग कैपेसिटी है किस पे डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर वन पॉल्यूशन ग्रोथ रेट, ऑप्शन नंबर बी नेशनलिटी, ऑप्शन नंबर सी मॉर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर डी लिमिटिंग रिसोर्सेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिमिटिंग रिसोर्सेस पे। क्वेश्चन नंबर 49 इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टिव कैपेसिटी लाइक कॉल, यानी कोई एक पॉपुलेशन हो और जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्ट ना हो और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं बर्थ रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 5058 एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एड्स को रोकने के लिए। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक शेयर करना भूले और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।